हेलो दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे स्टार 5000 अल्टिमा की। ये हमारी मशीन का हार्ड कैरी केस है। इसमें सारी एक्सेसरीज और मशीन रखी जाती हैं। सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करते ही ये हमारी FFS 5000 अल्टिमा मशीन, जिसकी बैटरी इस मशीन के अंदर रहेगी। स्विच ऑन करके हमने इस मशीन को देखा। साथ में ये ऑप्टिकल फाइबर क्लीवर, अल्कोहल डिस्पेंसर और इसके साथ ड्रॉप केबल स्ट्रिपर, और साथ में ये कूलिंग ट्रे, एसी अडेप्टर मशीन की चार्जिंग के लिए, स्ट्रिपर, होल्डिंग बेल्ट दी जाती है हार्ड कैरिंग केस के लिए। साथ में पावर कॉर्ड रहती है, जिसका हम यूज़ करते हैं मशीन को चार्ज करने के लिए। ये हमारी सारी मशीन की एक्सेसरीज़ हैं, जो कि स्टैंडर्ड रहती हैं। अब हम आपको इस मशीन के साथ स्प्लाइसिंग करना दिखाते हैं। फाइबर कैसे प्रिपेयर किया जाता है। 10 किलोमीटर के स्पूल्स हैं। सबसे पहले हमने फाइबर में प्रोटेक्शन स्लीप को डाला, जो कि हमारी 60 mm की है। स्ट्रिपर से हम इस फाइबर को स्ट्रिप करेंगे। स्ट्रिप करने के बाद टिश्यू पेपर का यूज़ करके आईपी से इसको क्लीन किया जाएगा। इस फाइबर को अब प्लेस करेंगे क्लीवर के फाइबर होल्डर में और कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद इस फाइबर को सीधा FFS 5000 अल्टिमा मशीन में लगाया जाएगा। इसको हम इस तरह से प्लेस करेंगे। सेम प्रोसीजर हम दूसरी तरफ के फाइबर के लिए करेंगे। उसको भी मशीन में रखा जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें मशीन ने हमारी स्प्लाइसिंग कर दी है कुछ ही सेकंड्स में। ये हमारी मशीन पे आया हुआ लॉस आप देख सकते हैं। अब हम इस लॉस की एक्यूरेसी चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ OTDR। हमारे पास ये फाइबर शॉर्ट का OTDR है। हमने पूरे स्पूल, जो कि 20 किलोमीटर का था, उसको अटैच कर दिया है इस OTDR के साथ। और हम इसका ट्रेस लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे OTDR में जो लॉस आया है बिल्कुल 0.0 आया है, जो कि हमारी स्प्लाइसिंग मशीन का बेस्ट है। तो ये इस तरह से हम मशीन का टेस्टिंग कर सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं कि वो कैसे किस तरह से स्प्लाइस करेगी और कैसे उसका लॉस आएगा। अब हम इस मशीन में प्रोटेक्शन स्लीव को हीट करके देखेंगे, जो कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में यूज़ करी थी। कुछ ही सेकंड्स के बाद हमारी स्लीव जो है हीट हो जाएगी। आप देख सकते हैं हीटर ने बहुत अच्छे से प्रोटेक्शन स्लीव को हीट किया है। को कूलिंग ट्रे में रखेंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो आपने देखा किस तरह से हमने इस मशीन के साथ स्प्लाइसिंग करी और कितने अच्छे रिजल्ट जो हैं हमें इसके साथ मिले। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद।